I'm surprised, Mr. Bharat. Yashoda का चेकअप करने के बाद मैंने देखा कि सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर भी इसके फेस को देख करके मुझे लग रहा है समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर साहब, कहीं कोई अंदरूनी बीमारी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट शी इज फाइन, बिल्कुल हेल्दी है। मुझे हैरानी हो रही है, इनके सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। देखा, हमने कहा था ना, हमें कुछ नहीं हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट्स की बात करो तो यशोदा, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अरे अपनी शक्ल तो देखो आईने में, काम काज ज्यादा और खाना पीना कम। हाँ डॉक्टर साहब, आजकल यशोदा की नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, इसीलिए खाना पीना कुछ भी नहीं हो पा रहा है इसका, और घर के जो काम होते हैं वो तो यही करती हैं सब। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने पहले कभी व्रत रखे ही नहीं, या फिर हमने घर का काम किया ही नहीं। यशोदा तुम बताओ, आज से 10 साल पहले जितना जोश, जितनी एनर्जी तुम्हारे अंदर थी, वो सब कुछ आज है? नहीं ना। आई थिंक भरत, इन्हें कमजोरी का असर हो रहा है। मैं इनके लिए कुछ विटामिन और कुछ एनर्जी वाली गोलियां लिख देता हूं। ये सुबह और शाम दोनों टाइम देना है इनको जी। और हाँ, खाना जरूर खाइएगा। हाँ जी डॉक्टर साहब। चलिए श्वेता। अरे हमारे जमाने में ये कहावत बिल्कुल सही थी कि कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंख में आंसू, पर अब नहीं, अब ये कहावत ना बदल देनी चाहिए। कब मरेगी जसोदा और कब खिलेगा लीला के दिल का पौधा। अब तो भरत उसके मरने की खुशखबरी लेकर ही घर आना चाहिए। अरे भरत बिटुआ, आ गया? कहा डॉक्टर? सब कुछ ठीक ठाक है, डॉक्टर ने यशोदा को आराम करने के लिए कहा है और कुछ दवाई भी लिखी, हम जाकर लेकर आएंगे अभी। सही कह रहे हो बेटा, वो डॉक्टर ने भी सही कहा है, इसको एक लंबे आराम की जरूरत है, तो इसको कहो ना आराम कर, जा सो। हाँ जा, डॉक्टर ने सही कहा है, खूब आराम कर। आगे बिटवा। हाँ अम्मा। का कहा डॉक्टर ने? कोनो चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं अम्मा, कोनो चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर ने बस यशोदा को खाने पीने का ध्यान रखने को और आराम करने को कहा है। चलो माता रानी का शुक्र है, पर ये ऐसे कैसे? अम्मा यशोदा को बहुत दर्द हो रहा था तो डॉक्टर ने इसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। नींद का इंजेक्शन? अरे इसको तो जहर का इंजेक्शन देना चाहिए था। सही कह रही है ना लीला, कहीं गलत तो नहीं? यही तो है।